कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कानपुर की तरफ से फतेहपुर जा रही अर्टिका कार खड़ी डीसीएम में घुस गई, जिसमें माँ बेटा व मौसी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 5 साल की बच्ची सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची महाराजपुर पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। महाराजपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में एडीसीपी पूर्वी लाखन सिंह ने बताया कि इस मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी अंदर पीछे भैया का पड़ती थी।